यूपी के बाराबंकी में सोमवार को सुबह बड़ा हादसा हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर खड़ी डबल डेकर बस को दूसरी बस ने जोरदार टक्कर मार दी। 8 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। मृतकों में 2 महिलाएं एक बच्ची भी शामिल है। हादसा इतना भीषण था कि आधी डबल डेकर बस क्षतिग्रस्त हो गई। यह हादसा लोनी कटरा थाना क्षेत्र नरेंद्रपुर मदराहा गांव के पास हुआ है। दोनों बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है। रेस्क्यू टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। घायलों को बाराबंकी के 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे में डबल डेकर बस का आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। एएसपी मनोज पांडे ने बताया कि बिहार में सीतामढ़ी जिले के पुपरी कस्बे में रविवार को एक डबल डेकर बस से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। सोमवार की सुबह 4 बजे यह बस बाराबंकी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नरेंद्रपुर मदराहा गांव के पास खड़ी थी। बस में सवार यात्री यूपीडी के कैंटीन में चाय नाश्ता कर रहे थे। आधे घंटे बाद 4:50 पर अचानक तेज रफ्तार से आ रही दूसरी बस डबल डेकर बस को टक्कर मार दी। हादसे में मरने वाले सभी टक्कर मरने वाले बस को सवार बताए जा रहे हैं, जो बिहार से दिल्ली जा रहे थे। हादसे के बाद राहत बचाव के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। बिहार की रोशन खातून ने बताया कि मैं दिल्ली जा रही थी, बस की दूसरी साइड में बैठी हुई थी। सड़क किनारे बस खड़ी थी, तभी पीछे से आई एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी। एक यात्री ने कहा कि मैं उस बस में था जिसके ड्राइवर ने टक्कर मारी। ज्यादातर लोग सो रहे थे, धमाके से हमारी नींद खुली। हादसे में रोशन खातून बाल बाल से बची। वे एक्सप्रेस वे पर खड़ी डबल डेकर बस में बैठी थी, तभी यह हादसा हुआ। बस में सवार बिहार के रहने वाले अशोक कुमार ने बताया, मैं हाथ धोने गया था, तभी यूपीडी की कैंटीन के सामने पहली डबल डेकर ड्राइवर ने बस पार्किंग ना खड़ी करके हाईवे के किनारे ही खड़ी कर दी। इसके चलते पीछे से आ रही दूसरी तेज रफ्तार वोल्वो बस बेकाबू होकर उसमें जा भिड़ी। पीछे से आई बस के यात्री मरे और घायल हुए, क्योंकि पहले से खड़ी बस के यात्री कैंटीन में गए थे। बिहार के रहने वाले अशोक कुमार हादसे के वक्त बस के नीचे उतरकर कैंटीन में हाथ धोने गए थे। आधार कार्ड के जरिए 4 मृतकों की शिनाख्त हुई है। अभी 4 की शिनाख्त के लिए प्रयास चल रहा है। हादसे में एक शख्स ने बस की सीट के बीच फंसा रहा, उसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। 18 घायल लखनऊ रेफर, बाकी यात्रियों को उनके घर भेजा जा रहा। पुलिस अधीक्षक अनुराग वस्त ने बताया कि 18 घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। जिन यात्रियों को हल्की चोट आई थी, उनका CHC हैदरगढ़ में इलाज कराकर घर भेजा गया। वहीं बच्चे यात्रियों को उनके घर पर भेजने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कराई जा रही है। पश्चिम साइड से बैठे हुए।